सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका बड़ी खबर में, जहां पर बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन सजा पर रोक नहीं। एमपीएमएलए ने सुनाई थी 10 साल की सजा, सजा को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर जमाने में जमानत मंजूर कर ली गई है, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर कर ली गई है, जमानत मंजूर लेकिन सजा पर रोक नहीं है। तो मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत वाली खबर मिली है। एमपीएमएलए ने सुनाई थी 10 साल की सजा, सजा को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। बता दें कि सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, 10 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं पर आज मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर कर ली गई है। जमानत मंजूर लेकिन सजा पर रोक नहीं है। बताया जा रहा है कि जमानत मंजूर कर ली गई लेकिन सजा पर रोक नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है, जमानत अर्जी जो है मंजूर कर ली गई है। देखिए नंदिनी, एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी, और गैंगस्टर मामले में जब यह सजा सुनाई गई थी तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में इसकी चुनौती दी गई थी। हालांकि आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है तो मुख्तार अंसारी को जमानत अर्जी है उसको मंजूर कर ली गई, लेकिन जो सजा की गई थी उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो निश्चित रूप से आज मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी के इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही। तो बीते दिन जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट द्वारा इस पूरे सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, और उसमें मुख्तार अंसारी की तरफ से हाई कोर्ट में इस पर जो है इस पर दाखिल किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की जब सुनवाई हो रही, तो चुनौती दाखिल होने के बाद आज जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है, तो उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है, लेकिन सजा पर जो रोक है उसको नहीं हटाई गई है। जी देखिए, लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं ये खबर राहत देने वाली है। वहीं 20 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई हुई थी, तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और आज इस मामले में बताया जा रहा है कि अर्जी मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, लगातार पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था उसमें लगातार सुनवाई जारी थी। हालांकि जब पिछले 20 तारीख को जब इस पर मामले की जब सुनवाई के बाद 10 साल की सजा सुनाई गई थी, तो हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की तरफ से इस मामले को लेकर चुनौती दाखिल की गई थी। तो हालांकि जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आज जिस तरीके से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई है, तो निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जरूर है। लेकिन अगर हम सब पूरे सजा की बात करें तो इस पर जो रोक है वो अभी तक नहीं हटाई गई है, लेकिन जो जमानत अर्जी है उसको मंजूर कर ली गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। जी देखिए, वहीं पर इन्होंने जिस तरीके से गैंगस्टर मामले सजा पर जब सुनाई गई थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि जब पिछले 20 तारीख को हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में सुनवाई थी, और उस दौरान उनको एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से यह मामला लगातार सुर्खियों में था, और आज इस मामले की सुनवाई की गई है, ऐसे में जो मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी है उसको मंजूर कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर यह दिख रहा है कि मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसकी अगर हम बात करें, इसके अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो सुनवाई है वो लगातार जो है सुर्खियों में बनी हुई थी। ऐसे में मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो खबर लखनऊ से है, जहां दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा ने नई योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से शुरू करेगी कार्यक्रम, जिसका नाम है बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान। योजना के तहत दलितों में पैठ बनाए जाने की तैयारी चल रही है। बस्तियों में पार्टी के नेता जाएंगे, जैसे कि खतौली, मैनपुरी और घोसी में ओबीसी वोट न मिलने से भाजपा चिंतित थी, जिसको लेकर नया प्लान बनाया गया है। तो बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान चलाया जाएगा भाजपा की तरफ से। दलित बस्तियों में पार्टी के नेता जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर नई नई रणनीति बनाई जा रही है भाजपा की तरफ से। बता दें कि दलितों में अब पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा नई रणनीति बनाई है। 26
26 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। तो 2024 को चुनाव को देखते हुए लगातार भाजपा नई नई रणनीति बना रही है। दलितों में अपनी बैठ बढ़ाने के लिए बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान योजना चलाएगी 26 सितंबर से। तो दलित बस्तियों में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तमाम उन लोगों को बताया जाएगा। तो दलितों में अपनी बैठ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई योजना बना ली है। 26 सितंबर से दलितों में बैठ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए लगातार भाजपा अब नई रणनीति पर काम कर रही है, दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए 26 सितंबर से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। जी बिल्कुल नंदिनी, अभी हाल के दिनों में जो हार बीजेपी को मिली है, चाहे हम मैनपुरी की बात करें, चाहे हम खतौली की बात करें, चाहे हम घोसी की बात करें, इन तीनों हारों पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा समीकरण ये है कि वहाँ पर ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के मतदाता बहुत सारे थे, उसके बावजूद अगर वहाँ पर वोट बीजेपी को नहीं मिला है तो बीजेपी के लिए चिंता की बजाय शायद इसको देखते हुए बीजेपी यहाँ पर एक नए सिरे से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और बस्ती और संवाद स्थापित जो जनपद अभियान है वो इसी की एक कड़ी है। निश्चित रूप से ये अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस अभियान के तहत बीजेपी लगातार कुछ नया करने की तवज्जो देती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से घोसी, खतौली और मैनपुरी में हार मिली है, कहीं ना कहीं जो मतदाता है ओबीसी वर्ग का, दलित वर्ग का, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है, जिसके चलते बीजेपी अब चिंता में है। और बीजेपी तमाम अभियानों के माध्यम से उस वर्ग को, जो उनका लगातार हम देख रहे हैं, 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, लगातार ये वर्ग बीजेपी के साथ रहा है। पर अगर इस वर्ग में अब सेंध लग रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ सोचना पड़ेगा। उसी की यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ऐसे केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अब ये भी जानकारी मिल रही है कि ओबीसी वर्ग के बड़े बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 20,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी उतारे जाएंगे जो ओबीसी वर्गों में जाकर सरकार की, केंद्र सरकार की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, वो सबकी नीतियों को पहुंचाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी अभियान चलाने जा रही है और अगर औपचारिक रूप से देखें तो यह अभियान 26 सितंबर यानी कल से और 2 अक्टूबर तक रहेगा, पर उम्मीद ये है कि बीजेपी इस अभियान को लगातार दिसंबर तक चलाती नजर आएगी। जी देखिए, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की ही बात कर ले, वो पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर चल रही है, वहीं पर अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच में बैठक हुई थी, जिन्होंने ये रणनीति बनाई है कि अब हमारा भी फोकस दलित पर ही होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है तो दलित किस तरफ जाएंगे? देखिए नंदिनी, अब बड़ा वोट वर्ग है और यहाँ पर अगर उनके साथ आप नहीं जाएंगे तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और शायद यही नीति भारतीय जनता पार्टी की है। पहले भी मैं आपको बताया कि 14, 17, 19, 22 के चुनाव में, निकाय चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी के साथ ये वर्ग खड़ा आया था, नजर आया था। इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर बीजेपी जीत कराई थी, प्रचंड बहुमत से जीत कराई थी। तो कहीं कहीं इस वर्ग की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी इस भूमिका को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। इसलिए भूमिका को बेहतर करने के लिए, इस भूमिका को अपना साथ में लेने के लिए बीजेपी यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रही है। और नंदिनी, मुमकिन आने वाले समय में और इस तरह के कार्यक्रम हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम मैंने आपको बताया 26 से 2 अक्टूबर तक औपचारिक रूप से है, पर ये कार्यक्रम जानकारी मुताबिक दिसंबर तक चलाया जाएगा। उसके बाद तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम और भी आएंगे जिनके माध्यम से बीजेपी और भी काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर केवल बात उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात मध्यप्रदेश की भी है, राजस्थान की भी है और अन्य जगहों की जहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे अगर जगहों पर अगर ये वर्ग उनके साथ आता है तो जो 24 का चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण चुनाव है, वहाँ पर बीजेपी को यहाँ सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो बीजेपी इस बार 400 पार का बात कर रही है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीट जीतना है तो बिना ओबीसी, बिना दलित वर्ग के संभव मुमकिन नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब बिल्कुल सजग हो गई है। और हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और जिस तरीके से अब दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो किस तरीके से चाहे पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई है? देखिए नंदिनी, आपको बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है, यहाँ पर ओबीसी वर्ग के बड़े नेता,
किशोर प्रसाद मौर्य भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री भी तो सरकार में मौजूद थे। तमाम जो बड़े पदाधिकारी ओबीसी वर्ग के जो पूरे जिलों जिलों से आए उनकी आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से जो ओबीसी वर्ग जो यहाँ पर खिसकते नजर आ रहा है उस बैठक को उस वर्ग को यहाँ पर अपने पाले में दोबारा करने के लिए बीजेपी लगातार संकल्पित है। तमाम कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर इस वर्ग को अपने पाले में दोबारा करने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है और तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में हमको देखने मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वर्ग महत्वपूर्ण वोट वर्ग है और यहाँ पर अगर उसको आप नजरअंदाज करेंगे तो उसका चुनाव खामियाजा आपको चुनाव हार के भी चुकाना पड़ सकता है। और अगर वास्तव में 80 सीट उत्तर प्रदेश जीतनी है तो इस वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर ये वर्ग प्रभावी और निर्णायक भूमिका में है, तो इस वर्ग को साथ लेना बहुत जरूरी है और चूंकि इस वर्ग के लिए काम भी करना बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी कहती है कि हमने इस वर्ग के लिए तमाम तरह काम किए हैं, पर अगर इस वर्ग में घोसी खतौली और मैनपुरी में इस वर्ग ने साथ नहीं दिया है तो उसका भी यहाँ पर एक मंथन करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या वजह रहे कि इस वर्ग ने हमको साथ नहीं दिया है। क्योंकि अगर वहाँ पर तीनों सीटों पर ये वर्ग उनका साथ देता तो बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं हारती है, क्योंकि तीनों जगह पर बीजेपी जो दलित और ओबीसी वर्ग है वो महत्वपूर्ण भूमिका में निर्णायक भूमिका में था। बिल्कुल, जिस तरीके से गौरव लगातार देखिए अभी आपने भी बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओबीसी मोर्चा की अहम बैठक चल रही है और उसमें तमाम तरह की रणनीति भी तैयार की जाएगी और इसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया विंग की भी बैठक है, तो सोशल मीडिया को किस तरीके से उपयोग में लाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सोशल मीडिया टीम की बैठक तो है, साथ साथ ओबीसी वर्ग की बैठक भी नंदिनी यहाँ पर है। तमाम जो ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी हैं प्रदेश के सारे यहाँ बुलाए गए हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष जो नरेंद्र कश्यप वो भी मौजूद हैं। किशोर प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार और पिछड़ा वर्ग के बड़े मंत्री हैं, बड़ा नाम है, वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बैठक चल रही है, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर मंथन हो रहा है कि आने वाले समय में जो वर्ग है उसके साथ किस तरह हमको काम करना है, इस वर्ग के लिए क्या क्या हमको और योजनाएँ लानी है। इसके अलावा ये भी चर्चा हो रही है कि 20,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी यहाँ पर उतारे जाएंगे मैदान में, जो कि सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियों का यहाँ पर बताएंगे और लोगों तक पहुँचेंगे, क्योंकि अगर वर्ग विशेष तक पहुँच नहीं होगी तो इसका नुकसान आने वाले चुनाव में आपको भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए, जिस तरीके से ओबीसी हुआ चाहे दलित वर्ग हुआ, आखिरकार कहीं ना कहीं बीजेपी से हटा तभी वो घोसी उपचुनाव हार गए थे, तो क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी अब नई रणनीति बना रही है तो अब क्या कुछ आगे का और भी कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं क्या दलितों को अपनी तरफ रिझाने के लिए? नंदिनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आने वाले समय में ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। हमने पहले भी देखा है 14 चुनाव 17 19 22 चुनाव में बीजेपी ने तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए थे। इसके अलावा अभी भी हम देख रहे हैं कि विगत मई से यानी जब से निकाय चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से बीजेपी लगातार कार्यक्रम करा रही है, अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, इस तरह के तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान अभी हाल में ही खत्म हुआ है 30 जून को, तो यहाँ पर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और निश्चित रूप से सम्मेलनों का दौर भी आने वाले समय में शुरू हो सकता है। जिस तरह बीजेपी ने 14-17 चुनाव में सम्मेलन कराए थे, 19 चुनाव में सम्मेलन कराए थे, एक तमाम तरह के सम्मेलन भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभियान भी चलता रहेगा, सम्मेलन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कठिन परीक्षा की घड़ी है, चुनाव पास आ गए, अगर यहाँ पर अब अगर नंदाजी की है, यहाँ पर अब शिथिलता की, तो उसका चुनाव उसका भुगतान जो है आपको चुनाव हार के भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी आने वाले समय में इस तरह के तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी जिससे वर्ग में दोबारा पेट बनाने का प्रयास किया जाए पूरी तरह से। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगली खबर लखनऊ से है जहां रोडवेज बसों में 6.50 लाख रुपए के टिकट गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को मैनुअल टिकटों की 10 गड्डी गायब मिली थी। जांच के दौरान मैनुअल टिकटों की संख्या में कमी पाई गई। 51 दिन बाद बताया जा रहा है कि 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। ये कैसर बाग स्थित अवध बस डिपो का ये पूरा मामला है जहां पर 29 जुलाई को मैनुअल की 10 गड्डी जो है टिकट की गायब हो गई थी। जांच के दौरान मैनुअल टिकटों की संख्या में कमी मिली थी। तो बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर 51 दिन बाद बताया जा रहा है कि 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। कैसरबाग स्थित अवध बस डिपो का ये पूरा मामला है जहां पर टिकट गायब हो गए थे। रोडवेज बसों के 6.50 लाख रुपए के टिकट गायब हो गए। 29 जुलाई को मैनुअल टिकटों की 10 गड्डी गायब मिली थी।
जांच के दौरान मैनुअल टिकटों की संख्या में कमी पाई गई थी। 51 दिन बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, कैसरबाग स्थित अवस बस डिपो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि टिकट गायब हो गए थे, वो भी बड़ी संख्या में। देखिए नंदनी, मैं आपको बताऊं कि ये परिवहन विभाग का मामला है, 29 जुलाई का मामला है, जिसमें टिकट की 10 गड्डियां गायब हो गई थी। एक गड्डी में 50 टिकट थे, यानी 351 रुपए से लगा करके 1700 रुपए तक की उस पर यात्रा की टिकट काटा जा सकता था। बस कंडक्टर को इस समय जो इलेक्ट्रिकल आजकल जो चल रहा है टिकटिंग का, वो प्रणाली दी गई है। जब वो कहीं तकनीकी समस्या उसमें जब आती है, उसके लिए ये प्रयोग करने के लिए पर्ची दी जाती है, टिकट दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल यात्रा के दौरान टिकट काट कर किया जाता है। अब जानकारी ये मिल रही है कि 29 जुलाई का ये मामला है, 29 जुलाई के बाद से ही ये 10 गड्डी गायब हो गई, यानी 6.5 लाख रुपए कीमत का बस का जो टिकट था वो कंडक्टरों ने पार कर दिया, जिसको लेकर के जांच बिठाई गई, और जांच में 2 कंडक्टर और 1 सहायक लिपिक दोषी पाए गए, जिन्हें निलंबित कर दिया। तो ऐसे में राजस्व को जिस तरीके से भारी नुकसान रोडवेज के कर्मी जो कंडक्टर हैं वो लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजस्व को हानि हो रही है, जिस पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के इस तरह की कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है, उसमें टिकट गायब होने का मामला आया है। जांच में 3 लोग जिस तरीके से दोषी पाए गए हैं, दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई है। जी, बताया जा रहा है कि देखिए 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है कि शुरुआती जांच जो कराई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं हिला हवाली थी, जिसके बाद से दोबारा जांच हुई है। जांच के बाद 3 लोग उसमें दोषी पाए गए हैं, और जो बैग कक्ष निरीक्षक हैं उनके, मधु श्रीवास्तव, उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई, क्योंकि किस तरीके से गायब हुआ, कैसे कहां से इस चीज को उठाया गया, ये सारी बातें सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है, इसमें और भी दोषी पाए जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से 6.5 लाख रुपए के टिकट गायब किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल किए हो गए होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 351 रुपए से जो यात्रा शुरू होती है, यानी शुरुआती 351 रुपए का टिकट और 1700 रुपए तक, तो उसमें इस तरह का टिकट काट सकते थे। तो अगर इसका अनुमान लगाया जाए, जो विभाग ने अनुमान लगाया है, उस अनुमान से अगर देखा जाए तो 6.5 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। तो ऐसे में 3 दोषियों पर कार्रवाई की गई है, और अभी आगे इस तरह का भंडाफोड़ और होगा, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का गायब होने का मामला, और रास्ते में कंडक्टर का एक और चलता है रास्ते में, यदि कोई यात्रा टिकट करता है यात्री, तो उसका आधे रास्ते के बाद टिकट बनाया जाता है, तो ऐसे में धन उगाही का भी मामला सामने आता है, जिसको लेकर के प्रवर्तन दल जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल अभी कार्रवाई के साथ 3 लोगों को निलंबित किया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।